मैं सारंग उपगनलावर डायरेक्टर आईकैड और आईकैड इज ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स फॉर जेई नीट एंड फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम. वी आर ऑल्सो इन द जीआरई एंड टोफेल सेगमेंट एंड डीलिंग विथ एजुकेशन अब्रॉड एज सच. ये संभ्रम सीबीएसई ने तो पूरी क्लियर कट पॉलिसी अपनी डिक्लेयर कर दी है कि उनकी पॉलिसी भी आ गई है कि कैसा उनका असेसमेंट होने वाला है. प्रॉपर पॉलिसी आई है और 20 जून तक तो उनके पूरे रिजल्ट भी निकल जाएंगे. तो उन्होंने पूरे स्कूल्स को वो पॉलिसी भेज दी है, असेसमेंट कैसा रहेगा, रिजल्ट कैसा आएगा. तो ऐसा कोई संभ्रम है नहीं स्कूल्स में तो भी और स्कूल्स अथॉरिटी में. पालक और स्टूडेंट्स के बीच में संभ्रम रह सकता है, लेकिन ये पहली बार है तो ऑब्वियसली संभ्रम रहेगा और होप सो कि ये पहली बार हो या आखिरी बार हो. अभी 12th आप बात कर रहे हैं कि 10th की एग्जाम कैंसिल हो गई और 12th की एग्जाम कैंसिल नहीं हुई है. अब क्या है कि 12th के 10th थोड़ा सा इम्पोर्टेंस होते जा रहा है, लेकिन 12th का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ग्रेजुएशन में जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होती है और टॉप प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन हो रही है वो 12th के परसेंटेज के बेसिस पे हो रही है. आप एक बार जेई और नीट छोड़ दीजिए, वहां तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेसिस पे होंगी, लेकिन वहां तो 12th परसेंटेज के बेसिस पे होती है. तो फिर अब इतना बड़ा स्टूडेंट पॉपुलेशन और 12th की बोर्ड की इतनी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन, तो अब अथॉरिटीज ट्राई कर रही है कि भैया जून तक, जून में अगर ये पोजिशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए तो जून में ले ले, और जून में ले लिए तो उनको कंफर्टेबल रहेंगे बाद में सेशन में एडमिशन लेने के लिए. तो अपने को क्या है कि अपने प्रॉब्लम सब दिख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के और अथॉरिटीज के प्रॉब्लम इतने ज्यादा है. तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. देखो ये तो क्वेश्चन है ही कि जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते थे और अपना परसेंटेज 90-95% के ऊपर लेके जाते थे, जो अभी उनको वो उन्होंने पढ़ाई तो शुरू कर दी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम ही नहीं हुई, तो जो परसेंटेज बाद में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद एकदम बढ़ता था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो आ ही गया. नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट. लेकिन जैसे मैंने बताया कि सीबीएसई की ऑलरेडी बोर्ड की पॉलिसीज और रिजल्ट की पॉलिसीज आ चुकी है, पूरे स्कूल्स को कम्युनिकेट हो चुकी है, तो उसमें उन्होंने कोई कन्फ्यूजन रखा नहीं है. इंटरनल असेसमेंट और बाकी सब प्रोजेक्ट बेस्ड वैल्यूएशन जो उनका है उसके बेसिस पे प्रॉपर परसेंटेज बच्चों को मिल जाएंगे और कोई 11th में एडमिशन का कोई इश्यू मुझे दिखता नहीं है. तो क्या है कि हमेशा आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इसका पूरा फायदा उठा चुके हैं, क्योंकि सिर्फ 3-4 घंटे क्लासेस हुई उनकी और बाकी पूरा पढ़ाई को टाइम मिला. तो ऐसे पेरेंट मिलेंगे, ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, ना बर्थडे पार्टी जाना है, ना किधर जाना है, ना स्कूल जाना है, ना ट्रैवलिंग है. तो इतना बड़ा स्टडी टेबल पे बैठने का जो उनको टाइम मिला वो बहुत अच्छा मिला एक्चुअली. तो उन्होंने बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठाया. और कुछ लोग सिर्फ कंप्लेंट करते रह गए, अरे ऑनलाइन में समझता ही नहीं, अब ये तो गेम ही खेलते बैठता बच्चे. तो इश्यू क्या है कि देर आर ऑलवेज सच, ये दोनों चीजें हमेशा रहेगी कि जो पूरा फायदा उठा के बहुत अच्छा परसेंटेज लाएंगे और जो हमेशा उसके पीछे रोते रहेंगे और परसेंटेज नहीं लाएंगे. और दूसरी बात क्या है कि ऐसे लड़के हमेशा थे. सिर्फ क्या होता था कि ये कई स्कूल में बैठे और कई क्लासेस में बैठे, इसलिए पता नहीं चलता था कि ये बच्चे पढ़ नहीं रहे, और पेरेंट भी बाहर रहता था, अपने जॉब में बिजी है, बिजनेस में बिजी है, तो उसको पता नहीं चलता था कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है घर. आज क्या है, वो घर में ही बैठा है, बच्चा खेलते हुए दिख रहा है, इसलिए वो डिस्टर्ब है. लेकिन ये पहले भी था. तो डिस्टर्ब ना होते हुए पेरेंट ने अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाना चाहिए. अगर वो 1-2 घंटा पढ़ता होगा तो भैया 2 घंटे का 3 घंटे पढ़, 3 घंटे का 4 घंटे पढ़, आराम से ऐसा मोटिवेट करना चाहिए. और इट इज गोइंग टू बी ना, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं. और मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट तो बहुत जबरदस्त आ रहा है कि हमने अगर इस साल हमारा एकेड का रिजल्ट देखा तो हमारे कम से कम 450-500 लड़के जेई मेन क्वालिफाई हो गए. ये तो रिकॉर्ड हो गए. क्यों, घर में बैठे बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र के टॉप रैंकर्स आए अपनी, इरफा खान सेकंड ऑल इंडिया आई है, तो यानी उन्होंने तो पूरा फायदा उठा लिया. देखो ऑफलाइन पढ़ाई में एक क्लास कंट्रोल प्रॉपर रहता है, फैकल्टी को पूरे बच्चे दिखते हैं,
वो किसी को भी क्वेश्चन पूछता है और इंटरेक्ट करता है प्रॉपरली। ओके, ऑनलाइन में भी यही करने की फैकल्टी ने कोशिश की है, ऐसा नहीं है वो कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उतना कंट्रोल ऑनलाइन में ये फैकल्टी रख नहीं पा रहा है। ओके, तो होता क्या है कि ऑफलाइन के अगर मैं फायदे गिना हूं तो ये क्लास कंट्रोल बहुत अच्छा फायदा है, राइट, और ऑनलाइन के मैं फायदे गिना हूं तो आपको प्रोडक्टिव टाइम बहुत ज्यादा मिला है, और जिन्होंने उसका, मैंने जैसे बताया, जिन्होंने उसका फायदा उठाया उन्होंने जबरदस्त पढ़ाई कर ली है, और ऑनलाइन के तो बहुत सारे फायदे हैं कि इन द सेंस कि मुझे एक अमेरिकन स्पीकर से भी बात करानी है तो मैं करा पा रहा हूँ, बहुत अच्छे फैकल्टी मेंबर ऑल इंडिया का कहीं का भी हो तो मैं उसका सेशन इनके साथ लगा पा रहा हूँ। तीसरी बात है कि डाउट क्लियरेंस, आप अगर अपन बोलेंगे कि डाउट क्लियरेंस पहले फैकल्टी का 1-to-1 होता था, आज तो आप व्हाट्सएप के थ्रू डाउट क्लियरेंस कराओ, डायरेक्ट जूम के थ्रू व्हाट्सएप कराओ, या कोई टेलीजेनिक एक्टिविटी के थ्रू डाउट क्लियरेंस कराओ, बहुत ईजी हो गया। सो देयर आर इन नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द ऑनलाइन। ओके, सिर्फ वो जो क्लास कंट्रोल का डिसएडवांटेज है वो भी अगर बहुत प्रॉपर तरीके से किया जाए तो मैनेज किया जा सकता है। तो अपन ने आज अपने पास ये सिचुएशन आ चुकी है तो उसका एडवांटेज उठा। अब जान दो ना रोते कहा बैठते भैया, ठीक है ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन दिन भर घर के बैठे हैं मुझसे पढ़ाई करो, राइट, और जैसे आईकेडियंस ने रिजल्ट निकाला वैसे रिजल्ट निकाला। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, डाउट्स बहुत ईजी है अभी ऑनलाइन में। तो ऑफलाइन में कैसा होता था कि जब टीचर क्लास होते, क्लास होने के बाद फिर डाउट क्लियरेंस करने बच्चे आ जाते थे, लेकिन आज कैसा है कि टीचर उनके लिए बिल्कुल 10 घंटे अवेलेबल है ऑनलाइन में। वो डायरेक्ट सेशंस लगाता है बच्चों को जब चाहे तब, क्योंकि बच्चे भी घर में, फैकल्टी भी घर में, जब चाहे तब तो वो सेशन लगाता है, डाउट क्लियर कर देता है। बच्चे कभी भी व्हाट्सएप पे उनको क्वेश्चन भेज सकते हैं, वो एक दूसरा फायदा हो गया। जिनके घर में पेरेंट का अच्छा वॉच है, बच्चे सिंसियर है, चीटिंग के चक्कर में नहीं जाते, उन्होंने बहुत फायदा, जैसे मैंने बताया, पढ़ाई करके उठा लिया है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन चीटिंग करके पास हुए हैं। ओके, ये अपन डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जैसे बताया कि दोनों टाइप की प्रवृत्ति रहेंगी, और लॉन्ग टर्म अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये अपने चीटिंग वीटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों ने जो आता है वो स्कोर लेना चाहिए, जैसे हमारे इसमें तो हम क्लियर होते हैं, जो आता उतना लेना, 80% नहीं है, 50% है तो चलता, लेकिन अपना स्कोर होना, और यही पेरेंट्स और बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अभी कैसा है कि 12th की एग्जाम जो मार्च में हुआ करती थी वो एकदम जून तक जाएंगे और अभी तक कैंसिल हुई नहीं है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि बच्चों के मन में अभी कंफ्यूजन है, कैंसिल होंगी तो इतनी बड़ी पढ़ाई जो हम करेंगे वो वेस्ट जाएंगे। ओके, लेकिन क्या होगा कि पिछले बार भी ऐसे ही हुआ कि पिछले बार जो IIT JEE एडवांस एग्जामिनेशन हुई और नीट एग्जामिनेशन हुई तो पता ही नहीं चला, एकदम उन्होंने एग्जामिनेशन डिक्लेयर डेट कर दी और 15-20 दिन बाद एग्जाम थी, तो जो बच्चे ऐसे काफिल रह गए वो कर नहीं पाए अच्छी तरह से। तो मैं बच्चों को यही बोला, पढ़ाई तो कहीं वेस्ट नहीं जाता। सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू इज कि 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करो, रोज अपना शेड्यूल बना के रखो, 8-8, 9-9, 10 घंटे पढ़ाई करो, उसका फायदा तुम्हारा MST CET और JEE मेन सब तरफ होने ही वाला है। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई ऐसा करो कि आपको 85-90% के अभाव लाना ही है, और ये डिटर्मिनेशन से करो। एग्जाम होंगी नहीं होंगी, जहां तक मुझे लगता है ये थोड़ा कोविड का पीक है वो निकल जाएगा और जून में शायद आपकी एग्जाम हो जाएगी, तो इसलिए अपन ये समझ के चलते कि 100% एग्जाम होने ही वाली, ये पहले दिमाग में डाल लो और तब तुम बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई कर लोगे। अभी जैसे मैंने बोला कि ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के बारे में कारण क्या होता है, एक मोटिवेशन थोड़ा सा लो होता है उसका। अपन ने अगर दूसरी वे से अगर अपन ने ये सोचा तो अपन ने ये सोचना चाहिए 2-4 महीने ज्यादा मिल गए प्रिपरेशन के लिए, हर दिन जबरदस्त लिख लिख के करो, जितना आपकी पढ़ाई है लिख लिख के करो, बोर नहीं होंगे आप। ओके, और प्रॉपरली शेड्यूल के हिसाब से जाने दो, एक एक दिन 8-8 घंटे पढ़ाई करो, 1-2 घंटे अपने रिलैक्स करो, जो आपको करना है वो करो, फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ बोर्ड गेम खेलो, कैरम खेलो, जो भी आप कार्ड्स खेलो,
क्या होता है कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी बढ़ा, अपना 8-8 घंटे का प्रोफेशनल वर्किंग शुरू रखो, एक बार वर्किंग हो गया तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो फैमिली के साथ बिताओ, फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, काम अच्छा हो जाएगा और काम की आदत जाने मत दो, सिर्फ रोते मत बैठो कोई मतलब नहीं है, कोविड आज नहीं तो कल जाने ही वाला है राइट, लेकिन अपनी आदतें खराब नहीं होने को ना इतने इसके तरफ ध्यान दो। ओके, पहले बहुत अच्छी आदतें रहती थी लोगों की, एक्सरसाइज से लेके तो काम से लेके तो सब, बहुत लोगों ने आदतें खराब कर ली, वापस ट्रैक पे आ और ये 2-4 महीने जबरदस्त पढ़ाई करो 12वीं की और आपके एग्जाम्स की। सर कैसा है, जो बंदा पढ़ाई करना है, जिसको अपना करियर बनाना है वो करता ही है, कितनी भी एडवर्स कंडीशन आप उसको दे दो, नहीं तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे राइट। और मुझे ये दिखता है कि आज भी मैं अगर हमारे कुछ टॉप रैंकर्स पकड़ू तो वो आज भी 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। सो इश्यू इज जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे ही, और उनको तो ज्यादा फायदा लग रहा है इसमें क्योंकि 2 साल उनको घर में मिल गए। ऐसा तो होगा नहीं 2-4 महीने में तो अभी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, जहां तक मुझे दिख रहा है कि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा शुरू हो गया गवर्नमेंट का, बाहर के कंट्रीज के वैक्सीन अपने इसमें आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 4-5 महीने में तो पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाने को ना। ओके, और मैं जैसे मैंने बताया कि जिनको काम करना है वो काम करता ही है, उसको कोई ऐसा बार बार देखना नहीं पड़ता कि पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, वो करता ही, उसका बाय बाय कायदा शेड्यूल अपना फिक्स है, वो बराबर उसमें पढ़ाई करता ही। सिर्फ जो नहीं करते हैं तो उनको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपको खेलना है, गेम खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है, वीडियो गेम खेलना है, आप एक ही थोड़ा सा एक डिसिप्लिन फॉलो करो, जब तक आपके काम नहीं होते तब तक ये चीजों के हाथ नहीं लगा। आपने जो भी 4 घंटे का शेड्यूल क्यों नहीं लगाया, 4 घंटे आपने पढ़ाई का शेड्यूल लिखा है, बढ़िया लिख लिख के पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद उसको हाथ लगा। ओके, सो जब तक काम नहीं होता तब तक इसके तरफ ध्यान मत। तो बराबर आपका 10वीं का रिजल्ट तो वॉट एवर इट इज, लेकिन 12वीं तक कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, अगर ये साल का अगर आईकैड का रिजल्ट देखा जाए तो आईकैड ने विदर्भ का फर्स्ट, विदर्भ का सेकंड, विदर्भ का थर्ड, जेईई मेन आए अपने बच्चों, ओलंपियाड्स में भी आए, TVPY में भी आए, सभी तरफ जबरदस्त रिजल्ट आए, ये तो ऑनलाइन मॉडल में आए। लेकिन अगर हमको पर्सनली पूछेंगे या टीचर्स को पूछेंगे या तो स्टूडेंट्स को पूछेंगे, और आप तो पेरेंट्स भी सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं राइट, कि भैया ऑफलाइन का या फिजिकल क्लासेस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरे को अगर 2 मॉडल में आपने सिलेक्ट करने बोला तो मैं ऑब्वियसली फिजिकल सिलेक्ट करूंगा, बच्चे भी फिजिकल सिलेक्ट करेंगे, पेरेंट भी फिजिकल सिलेक्ट करेंगे, और फैकल्टी तो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है, 1 वे पढ़ा वो भी ऑफलाइन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में जो ह्यूमन टच आएगा वो ह्यूमन टच तो अपन सोच ही नहीं सकते, इतना जबरदस्त इम्पैक्ट कैरी करता है कि एक बच्चे के कंधे पे हाथ रख देना और उसको बोलना कि भैया तू कर लेगा और वो मोटिवेशन से भिड़ जाना, ये ऑनलाइन में बहुत बार पॉसिबल होता ही नहीं है। दूसरी बात कैसा है कि हम तो सब जन डेस्परेटली राह देख रहे हैं जैसे फिजिकल क्लासेस कब शुरू हो, सब पेरेंट राह देख रहे, बच्चे राह देख रहे, सब लोग राह देख रहे, एक बार शुरू हो गया लेकिन हमको ऑनलाइन के कुछ एडवांटेजेस पता चल रहे, टेक्नोलॉजी पहले पता नहीं थी, ये जूम टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं थी जिससे अपने क्लासेस रिले हो, या फिर टेस्टिंग के एप्स किसी को पता नहीं थे, हमने आईकेड ने नए डिजिटल ऐप बना लिए। तो अभी क्या होगा, अभी जब भी वो फिजिकल में शिफ्ट होंगे वो भी हाइब्रिड रहेगा, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों चीजों का हाइब्रिड रहेगा। कभी भी ऐसा लगा कि एक डाउट क्लियरेंस क्लास लगाना है और बच्चे दूर दूर से आ नहीं सकते, चलो भैया ऑनलाइन क्लास है। ओके, सो कभी भी एक टेस्ट लेनी है और ऐसा लगा कि यार छोटी सी टेस्ट है, ऑनलाइन ले सकते हैं, बच्चे का आप बुलाना कर सकते हैं। तो इन नंबर ऑफ थिंग्स जो अभी डिजिटल क्लासेस में या डिजिटल ऐप में, कुछ ऐसे ऐप दे देना उनको कि भाई अपनी टेस्ट खुद ही बनाओ, सॉल्व कर लो, ये हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जो अभी टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं वो पूरे फायदे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, मशीन लर्निंग आएगा, इसमें ये सब फायदे अभी उठाना है और उनको फिजिकल मॉडल में लेके आना है। तो अभी ये हाइब्रिड मॉडल सबसे ज्यादा चलेगा जिसमें फिजिकल क्लासेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी। So I will now we are world is switching over to the hybrid.